आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम समलंब, समद्विबाहु समलंब व उनके गुणों पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। अब आप समलंब तथा समद्विबाहु समलंब की परिभाषा से भली भांति परिचित हैं। तो चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। आप इस घर में कहां कहां समलंब देखते हैं? वीडियो को रोकें और प्रयास करें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इस घर में टेबल, टेबल लैंप, ताले तथा गमले में समलंब देख सकते हैं। आइए अब हम समलंब के गुणों पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या आप इस समलंब में x का मान ज्ञात कर सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किसी समलंब के असमांतर भुजाओं के युग्म में किसी भुजा पर बनने वाले आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्या समलंब का यह गुण x का मान ज्ञात करने में आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ, समलंब का यह गुण x का मान ज्ञात करने में हमारी मदद कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। हम इस गुण की मदद से कह सकते हैं कि कोण s व कोण r का योग 180 डिग्री होगा। हमें कोण s का मान ज्ञात है जो कि 60 डिग्री है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x और 60 डिग्री का योग 180 डिग्री होगा। इसे हल करने पर हमें x का मान 180 डिग्री घटा 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री मिलता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप इस समलंब में कोण a का मान ज्ञात कर सकते हैं? वीडियो को रोकें और कोशिश करें। आइए कोण a का मान पता करते हैं। समलंब के गुण से हम जानते हैं कि किसी भी समलंब की प्रत्येक असमांतर भुजा पर बनने वाले दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम प्रश्न से देख सकते हैं कि दिया गया समलंब एक समद्विबाहु समलंब है। अब क्योंकि हमें प्रश्न में कोण C का मान 115 डिग्री दिया गया है तो कोण P का मान 180 डिग्री घटा 115 डिग्री यानी कि 65 डिग्री होगा। और हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि समद्विबाहु समलंब में समांतर भुजाओं के युग्म में किसी भुजा पर बनने वाले आसन्न कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं, अतः कोण A व कोण B का मान बराबर होगा। इससे हम कह सकते हैं कि कोण A का मान भी 65 डिग्री होगा। आज हमने कुछ उदाहरणों की मदद से समलंब, समद्विबाहु समलंब व उनके गुणों के बारे में समझा।